14 में बदल गया सब 2 करोड़ नौकरी के लिए बाबू, 15 लाख रुपया का बोल दिया तो हम भी मोदी को वोट दे दिए, हम भी मोदी को वोट दे दिए 15 लाख का मैडम, 15 लाख बोला ना तो झोपड़ी में तो रहने वाले थे हम लोग, अब जब हवा लग गया 15 लाख का, आह दादा दे मोदी, दे मोदी। जितने हमारे लफंडर दोस्त थे सबको बोले भाई रे मोदी को देना, दिए था ना, ये मेरा प्रिय मित्र है, मोदी को वोट मिला था। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, साला उसका डिग्री भी पता नहीं चल रहा कभी कुछ, कभी दिखाई तो है, अरे कभी कभी एमए पास, कभी पीएचडी कर लिया, कभी बीए पास है ना, अब 1 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, और क्या बोल रहा है गृह मंत्री कि ये तो जुमला है, बताइए गृह मंत्री जब जुमला बोल रहा है तो और आदमी क्या करेगा, और आदमी क्या करेगा भाई। इलेक्शन आ रहे, कोई ना कोई दंगा, कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम सब अंधभक्तों के दिमागों में भरेगा, कौन करता है? जो अंधभक्त होंगे उनके दिमागों में जाएगा, और कौन है? सिर्फ पैसा दे करके मीडिया वालों का ये खेल है, ठीक है। हाँ बीजेपी सब मीडिया वाले सब बिक गए हैं, कौन सी मीडिया? सारे मीडिया बिक गए हैं, शायद आप ना बिके हो लेकिन सब बिक गया है। अब भाई अपना इमेज है, अब एमए करके बीए करके पकौड़ी छने, कुछ भी बोलोगे कल तिहाड़ में पाओगे, ठीक है, कल तिहाड़ में जाओगे। सुनिए, हाँ कल तिहाड़ जाएंगे क्या सर? हो सकता है कि बीजेपी प्रवक्ता बीजेपी के आसपास वाले जो है ना हमें पहचान लेंगे ना, तो फिर कहेंगे बेटा चल चल चल, देश बचाओ मोदी हटाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ। अच्छा जी, देश अभी बचावा नहीं है क्या? कौन आएगा इस बार 24 में? बस कांग्रेस आएगा। अच्छा कांग्रेस आएगी, बिल्कुल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस। हम तो कांग्रेस का कोई आए कांग्रेस का है। अच्छा कांग्रेस का है? हाँ, क्योंकि पप्पू बता रहे राहुल गांधी को। नहीं, ये जो है मैडम सिर्फ पैसा दे करके मीडिया वालों का ये खेल है, ठीक है। हाँ बीजेपी सब मीडिया वाले सब बिक गए हैं, कौन सी मीडिया? सारे मीडिया बिक गए हैं, शायद आप ना बिके हो लेकिन सब बिक गया है ना। अगर अगर कोई मीडिया वाला अगर डिबेट करता है तो सिर्फ सरकार के पक्ष में बोलता है, उसके प्रवक्ता के पक्ष में रहता है, बाकी विपक्ष वालों की मतलब ये में नहीं रहता है। अगर रोजगार के नाम पे नहीं, अगर रोजगार के नाम पे अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है गवर्नमेंट से तो फिर चुप हो जाता है, अलूल जलूल बातें करने लगता है। बोला गया है कि 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, और क्या बोल रहा है गृह मंत्री कि ये तो जुमला है, बताइए गृह मंत्री जब जुमला बोल रहा है तो और आदमी क्या करेगा, और आदमी क्या करेगा भाई। शुभांकर मिश्रा को हटा दिया न्यूज़ से, तो मणिपुर पे शुभांकर मिश्रा आज तक का एक बहुत फेमस एंकर था, उन्होंने मणिपुर पे एक वीडियो डाला, उस वो बहुत ही वायरल हुआ और वो कंटेंट में चला गया। उस वीडियो का तारीफ अन कई विपक्षी नेता ने किया, उसको क्या क्या उसको अपने आज तक चैनल से ही निकाल दिया, बेचारा खुद का यूट्यूब स्टूडियो खुल गया बेचारा। कुछ भी बोलोगे कल तिहाड़ में पाओगे, ठीक है, कल तिहाड़ में जाओगे। सुनिए, हाँ कल तिहाड़ जाएंगे क्या सर? हो सकता है कि बीजेपी प्रवक्ता बीजेपी के आसपास वाले जो है ना हमें पहचान लेंगे ना, तो फिर कहेंगे बेटा चल चल चल। हाँ और बाकी लेकिन कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी, ठीक है देखते हैं, देखते हैं है ना। यहाँ पे कम से कम जो भी लड़के हैं जो भी नौजवान है सब 75 नहीं 90% सब मोदी के विपक्ष में है ना। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, साला उसका डिग्री भी पता नहीं चल रहा कभी कुछ, कभी कुछ तो है अपनी डिग्री दिखाई तो है ना, अरे कभी कभी एमए पास, कभी पीएचडी कर लिया, कभी बीए पास है ना, अब एक हथिनी है, पता नहीं हथिनी बोला जाता है किसको है ना, अब वो जो है प्याज का भाव बढ़ गया तो माला पहन के घूमती थी, सिलेंडर ऐसे उठा के घूमती थी है ना, अब टमाटर का भाव बढ़ गया, भिंडी साला पढ़ने वाले आदमी भिंडी कैसे खरीद के खाए। में बदला क्यों इतनी दिक्कत थी? तो क्या क्या 14 में बदल गया सब 2 करोड़ नौकरी के लिए बाबू, 15 लाख रुपया का बोल दिया तो हम भी मोदी को वोट दे दिए, हम भी मोदी को वोट दे दिए 15 लाख का मैडम,
15 लाख बोला ना तो झोपड़ी में तो रहने वाले थे हम लोग, अब जब हवा लग गया 15 लाख का, आह दादा दे मोदी दे मोदी। जितने हमारे लफंडर दोस्त थे सबको बोले भाई रे मोदी को देना, दिए था ना, ये मेरा प्रिय मित्र है, मोदी को वोट मिला था जी। तो बदलाव करेंगे कुल मिलाकर, क्या बदलाव 9 साल में हुआ सर, सब रोड पे आ गया, कह रहे जिस पे आप खड़े हैं वो भी तो क्या करेगा, लफुआ बनेगा, पकौड़ी छानेगा है ना, पकौड़ी कितने, अब भाई अपना इमेज है, अब एम ए करके बी ए करके पकौड़ी छाने, हाँ जिस पे आप खड़े हैं वो भी विकास, शादी भी नहीं होगा महाराज, अरे राहुल मोदी मोदी जी कहाँ है, योगी जी कहाँ है, राहुल पकड़ जाएगा, अबे वाले भाग जाएंगे, शादी की बात कर रहे थे क्या, मोदी जी की बीवी को देखना चाहते थे वास्ते, मोदी जी ने बीवी देश के लिए कुर्बान कर दिया अपना परिवार, जिनसे अपने बीवी बच्चे नहीं पले वो देश क्या पालेंगे, अच्छा देश के लिए छोड़ दिया, देश संभाल, देश को दे दी बीवी, देश संभालना था इसलिए छोड़ दिया, अच्छा जी हाँ। हम तो नहीं छोड़ा अपने बच्चों को देश के किसी के लिए छोड़ी है, अरे सर एक दिन हम भी पीएम बन गए, चाय वाला बन सकता तो हम एसी वाले के नहीं बन सकते, बिल्कुल बनना है हमें भी, जब मोदी जी चाय वाले बन सकते तो हम पकौड़े वाले के नहीं बन सकते, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, सब ईवीएम का कमाल, कह रहे मोदी जी शेर है, शेर है, इलेक्शन 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 आ रहे, कोई ना कोई दंगा, कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम सब अंधभक्तों के दिमागों में भरेगा, कौन करता है, जो अंधभक्त होंगे उनके दिमागों में जाएगा, और कौन है अंधभक्त, किसे कह रहे हैं, इन्हीं ही खड़े हैं, 3-4% खड़े हैं यहाँ, 3-4% खड़े हैं, 3-4% 100 में से 3-4% कांग्रेस के अंधभक्त हैं, नहीं मैं किसी का अंधभक्त नहीं, देश का अंधभक्त है, देश का, देश के, देश बचाओ मोदी हटाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ, अच्छा जी, देश अभी बचावा नहीं है क्या, आए कहाँ बचा है महाराज, खाली खाली धर्म के नाम पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है धर्म है जिसका जो है धर्म माने, ठीक है उसका सम्मान है, लेकिन खाली धर्म के नाम पे जहाँ जाओ डिबेट में जाओ चाहे चुनाव में जाओ धर्म के नाम पे, मणिपुर जल रहा था इधर, इनको चुनाव के चक्कर लगा था, तो डिबेट में क्यों आते हैं फिर आपके नेता, कौन आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे, क्यों आते ना जाएंगे? आएंगे नहीं तो और ये लोग चला गढ़ा में लेके नाव को चला जाएगा, एक तो भाई एक तो ऐसे ही गढ़ा में जा रहा है, नहीं जाएंगे तो खुला साण के तरह घूमेगा, सब घूमेगा ना, तो लगाम लगाना जरूरी है, किसे लगाम लगाएंगे, आए सरकार को लगाना है, कौन सी सरकार, आए जो अभी है तत्काल में, वाले कह रहे 350 पार इस बार, हाँ ठीक है अब तो जनता की अदालत तय करेगी ना, ना हम कर सकते ना आप कर सकते हैं, ये हमारा पर्सनल जो है ये है, और बाकी सब तो साथ ही है, देख ही रहे हैं, साथ हाँ सब साथ है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल साथ है भाई, बस कौन आएगा इस बार 24 में, बस कांग्रेस आएगा, अच्छा कांग्रेस कांग्रेस आएगी, बिल्कुल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस किसे देखेंगे, मोदी को देखिए, इतने सारे कह रहे कांग्रेस आएगी, अरे कहने तो कह रहे हैं उससे, अच्छा कहने दे, बिल्कुल मोदी आएगा, मोदी जी के 5 अच्छे काम बताइए, कोई भी करे मोदी आएगा, मोदी क्या कहेंगे, मोदी को लेके नहीं है, किसे लेके आएंगे, काम किया ही नहीं है कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, हाँ बताइए, पहले हमारे पास एक यूनिकॉर्न कंपनी थी, 100+ यूनिकॉर्न कंपनी है, ठीक है हमारी जीडीपी पहले क्या थी 1.8 trillion, अब 3.7 trillion यूएस डॉलर, पहले हमारी कांग्रेस बता रहे हमारी पर कैपिटा इनकम अब इंक्रीज हुए, हमारा रोड नेटवर्क कितना हो गया आपको सबको पता है, डिजिटल डिजिटल नेट ट्रांजिशन कितनी हो रही है, और डिजिटल इंडिया बन गया हमारा, कहीं पे भी नहीं होता भाई, कहीं पे भी नहीं होता, और इतने सारे इसरो इसरो वगैरह इतने सारे मिशन किसके उसमें हुए हैं, इसरो इसरो बनाया भले ही है लेकिन बनाने से क्या हुआ, लेकिन मिशन तो किस में ही हुए है ना, ज्यादा भाई हुए तो है ना, तो ऐसे जो बजट पेश करते हैं वो कौन करते हैं, ये सभी तो करते हैं, हाँ जी एक महिला भी अंतरिक्ष में गई थी क्या, तो महिला नहीं भाई अभी भेज रहे, अंतरिक्ष में गई थी कोई, एक पता है आपको, नहीं भाई मैं बता रहा हूँ इंडिया से नहीं गई थी, बट क्या कल्पना चावला गई थी, हाँ बट वो गई, लेकिन अब भी तो भेज रहे हैं ना ये इसरो इसरो अभी अपकमिंग, तो भेजती नहीं क्या इसरो को, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसरो के, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोग्राम तो इसमें ही हो रहे हैं ना, कल्पना चावला नहीं गई थी, गई तो थी बट लेकिन ज्यादा तो इसमें ही हो रहे ना, चावला गई वैसी अभी ये चंद्रयान पे पहुंच गया, हाँ तो चलो ठीक है ये सब हो गया,
तो अब किसी पांच काम गिनवा दिए, इससे ज्यादा और गिनवाऊं? चलो गिनवाओ, और भी गिनवाओ भैया, गिनवा दीजिए। तो हमारी पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा कम हुआ है, सैनिटेशन बढ़ गई है, तो बेरोजगारी बढ़ गई। तो हमारी पॉवर्टी का मतलब क्या? चुप, मैं बता रहा हूँ बेरोजगारी बढ़ गई तो हमारी जनसंख्या भी, हमारी पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हुई है ना, पॉपुलेशन भी तो हमारी इंक्रीज हुई है, तो फिर वो कितने गरीब थे पहले, तो अभी वो धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही हम भी सेटल हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। चलिए ठीक है, बोल रहे हैं कि पहले इतनी महंगाई है वो है, तो पहले दिहाड़ी कितनी थी, 200-300 तक की, तो अब कितने की है? अब बढ़ी नहीं हमारी पर, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं है, तो हमारी पहले पर कैपिटा इनकम कम थी ना भाई, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो हमारी नौकरी तो वही रहेगी ना, तो ट्राई तो कर रहे हैं। एक बंदा हर, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, चाहे राहुल गांधी भी हो तो वो भी 100% सही नहीं, गांधी का सपोर्टर नहीं है, नहीं, चाहे कोई भी आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी है इस दुनिया में, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। रोजगार चाहिए आपको, रोजगार चाहिए, जिसके अंदर टैलेंट होता है उसको अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं होती, अपॉर्चुनिटी खुद उसके पास आती है, ठीक है। आजकल सबको ही जॉब मिल रही है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद नर्सिंग स्टाफ हूँ, मैं खुद स्टाफ प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ ही, मतलब उनको जॉब नहीं मिल रही है, सबको ऑलमोस्ट जॉब मिल रही है, दिल्ली के अंदर मैं बोल सकती हूँ सबको जॉब मिल रही है। आप कैसी बात कर रहे हो, सबको पता है केजरीवाल क्या पैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बता के जाइए ऐसा केंद्र सरकार का क्या क्या है, आप ये ऐसा नहीं है, लेकिन दिल्ली में जॉब है, जॉब है दिल्ली के अंदर ही, आप हर जगह ट्राई तो करो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब नहीं है, ये बात नहीं है। भैया कह रहे 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, क्या ट्राई कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ट्राई कर रहे हो आप, आप क्या ट्राई कर रहे हो, हर जगह जॉब है, हर जगह जॉब है, ऐसा नहीं है। हाँ जी, केजरीवाल जी के राज में जॉब अच्छी है ना, आपको अच्छी है। हाँ जी, केजरीवाल जो है वो इंडिया के गठबंधन में है, केजरीवाल को प्रधानमंत्री देख रही है, मोदी को देख रही है, केंद्र सरकार का क्या अहमियत है जॉब दिलाने में, प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगले साल, केजरीवाल ही बनना चाहिए, ओ सॉरी हाँ मोदी बनना चाहिए प्रधानमंत्री, आप कैसे बनाएंगे प्रधानमंत्री।